Everyone is spraying him. मेरी छुट्टियां कर रही है। हो इसने क्या किया ये। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर फर्स्ट यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो आज हमारा थर्ड डे है टर्की में एंड हम लोग जो है पहला शहर हमने छोड़ दिया इस्तांबुल, अब हम किसी और शहर में जा रहे हैं, ठीक है। और अभी हम ऑन दी वे कहाँ जा रहे हैं, बुर्सा जा रहे हैं। ये दो लड़कियाँ इधर आगे बैठी हुई हैं, फातिमा मेरे ख्याल से सो रही है, खाना पीना लगा हुआ है, ऐशो इशरत रखी हुई है, पापा इधर बैठे हैं, हीरा आप इधर बैठी हैं, मैं इधर बैठी हूँ। खैर अभी हमारा प्लान ये है, हम लोग जा रहे हैं उस्मान गाजी के मज़ार पर, जिनकी सीरीज़ भी आई थी आप लोगों ने देखी भी थी, तो उनके मज़ार पर जा रहे हैं। हमें बड़ा शौक था देखने का, तो अब वहाँ पर जाएँगे, आप लोगों को पूरा टूर करवाऊँगी क्या क्या वहाँ पर रियल में, और बहुत प्यारा वहाँ पर है सब। सो लेट्स गो। व्यू आप ऑलरेडी देख सकते हो, इतना प्यारा व्यू है यहाँ पर। ये जो है ना, ये हमारे पाकिस्तान का, समझो हम नरान कगान जा रहे हैं, यहाँ का ये वाला शहर है पाकिस्तान का नरान कगान होता है। ओके यार, फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। ये लड़कियाँ फटाफट उतर रही हैं, चलो चलो उतरो 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 गर्ल्स उतरो उतरो। चलो यार, फाइनली हम लोग दूसरे शहर में आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मज़ार पर जाएँगे, यहूदी बंदी रहती है यहाँ पे, ये आके गर्लीज देख रही हैं इधर उधर लोगों को। अब यहाँ पे नींद में है सारी इस टाइम, मैं खुद नींद से उठी, मुझे खुद होश नहीं है, कहाँ जाना है बताओ तो सही। ओके सर, दिस वन इज उस्मान गाजी, जो अर्तुरुल के बेटे थे उस्मान गाजी, जिनकी सीरीज भी आई थी नेटफ्लिक्स पर, सबने देखी भी थी, उनका मजार है ये, मैं बता दूँ ताकि। तो एंट्री करते हैं, पता नहीं अभी ये ना वो बोले मम्मा खेत व्लॉग नहीं बना सकते, बातें कम करो चल जल्दी आओ। ये वाला शहर भी वैसे अच्छा है, लेकिन इस्तांबुल मुझे बड़ा ना अपना अपना वाली वाइब आ रही थी। वाह अच्छा, हाँ यहाँ पे ठंड तो नहीं है, मज़ा आ रहा है, बल्कि कितना प्यारा गार्डन है यहाँ पे। हम एंट्री कर रहे हैं अभी यहाँ से। ये है कि इसका मतलब अगर बता दो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ पैसे दूंगी, जो मुझे इसका मतलब बताएगा उसको पैसा मिलेगा। इसका मतलब तू मेरा पोता छुट्टी कर। बात मारे तो बात ही खत्म। अब जी आपको बताए इसका मतलब क्या है, अगर आपने मतलब बता दिया मैं कहूँगी की आप कह रहे हैं कि 2015 में ये पार्क बनाया गया था। वाह यही मतलब है, गलत गलत, पापा ने तुक्का मारा है। सही मतलब आप बताए। इसका मतलब 2015 में ये जगह रजिस्टर्ड हुई थी। रजिस्टर्ड हुई थी, अच्छा तो पापा जी बना तो पुराना है। नहीं बना तो तब होगा जब वो, बात सही है लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी थी। आते साथ एज एक्सपेक्टेड ज़ैना पिक्चर देना शुरू हुआ। उन्होंने कहा 5 मिनट रुकेंगे, आर्मी की परेड होगी, उनको सलामी होती फिर अंदर जाएंगे। हाँ अभी यहाँ पे आर्मी परेड होनी है, वो तो आप लोगों को मैं स्पेशली दिखाऊंगी आर्मी परेड, तो खैर इधर होनी है। हिरापी को तो आर्मी वाली चीज़ें वैसे ही बहुत पसंद है, तो आर्मी परेड हम देखेंगे, ठीक है। आर्मी परेड है यहाँ पे, अभी आर्मी परेड होनी है पूरी, यहाँ पे धन 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 वो होगी। हिरापी हम करें पिक्चर को लैब, वो हमारे फौजी आ गए हैं, वो ही तो अर्तुरुल वाले कपड़े पहने हुए इन्होंने। और परेड स्टार्ट होने वाली है, तो मैंने तो सामने से जरा इनकी परेड लेने के लिए, एक्सक्यूज मी सॉरी, चलो यहाँ से वहाँ जाती हूँ ताकि मेरी अच्छी, ये मुझे अच्छी जगह पे लेके जा रही है, यहाँ से अच्छा बनने की वीडियो। ओके ये हमारे आगे हैं परेड के फौजी, ये उन्होंने कहा है कि येलो लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना। ओके चलेगी बस खत्म, मुझे लगा कुछ इस तरह का भी कुछ कर बोला क्या उन्होंने मुझे, आप ये थोड़ा आपको तो आती टर्की सुने ना, बोला क्या था वो, ठीक है। चलो यार अब हम जा रहे हैं अंदर, मजा देखे, मुझे था कि थोड़ा कुछ होगा बट मैंने कहा है खत्म भी हो गया, इनको बुलाते कहाँ गए ये लोग। तुम्हें ये देखने के बाद ऐसे थोड़ा सा फील हुआ था कि है खत्म, अभी और नहीं आना है। यहाँ पे भी इन्होंने हमें दुपट्टे वगैरह दिए हैं, दुपट्टे पकड़ो और पहनो, आज मैं अच्छा कलर चूज करूंगी, करो करो सब ने एक एक कलर चूज करना है इधर, मैं कौन सा करूं यार, कोई तो अच्छा सा करना पड़ेगा, ये वाला करूंगी और फिर से अन्य स्टाइल में पहनूंगी। आप ही को भी पता चल गया अन्य स्टाइल का, मम्मा भी अन्य स्टाइल बना दे, मम्मा अन्य स्टाइल में ऐसे, हाँ मम्मा ज़्यादा क्यों ऐसे मुँह पे, अच्छा ऐसे होता है। वाह मामा ने मुझे प्यारा सा दुपट्टा दे दिया, आई एम लुकिंग गुड। हीरा पे भी क्यूटी लग रही है, ज़ैनब अभी पहन रही है, पहनो ग्लासेस है मेरी। फातिमा ने भी आज वाइट चूज किया, अच्छी लग रही है। चलो सो दिस इज द मज़ार ऑफ उस्मान गाजी, एवरीवन इज प्रेइंग हियर।
बॉक्स पे ये है ज़ासर, ये क्या है, ये कौन है? कंपेनियंस और फैमिली मेंबर्स लिखा हुआ है, शहजादे अलादीन। ओ उनके बच्चे वगैरह, ये देखो लिखा हुआ है शहजादे अलादीन उस्मान गाजी। इधर के उनके बच्चों के हैं ये, सन ऑफ मुराद, सन ऑफ सुल्तान उस्मान, ये बच्चे हैं और ये खुद वो है, ये उस्मान गाजी, ठीक है। और ये है ग्रैंडसन, ग्रैंडसन ऑफ सुल्तान उस्मान, छोटा सा था ये कोई, ठीक है। ये है सन ऑफ सुल्तान ऑर्फन और हान, ये है वाइफ ऑफ सुल्तान, सुल्तान की वाइफ थी ये। ये बहुत छोटी सी है, हाँ ये इनके बच्चे हैं। और ये अगर सब टाइम आ गया है दुपट्टे उतारने का, ज़ैनब माशाल्लाह से उतार भी आई है, मेरी उतार ट्यूब दुपट्टा, लेकिन एक अजीब सा सुकून में, तो मतलब ठंड भी आई बड़ी वो हो जाती है। चलो चलो रख दो वापस, यहाँ पे तमीज़ है कि सबने ना वापस देना होता है, कितने अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे भी आप जा रहे हो दुपट्टा उन्होंने दुपट्टे रखे हुए, अच्छी बात है। वरना आधी जगह तो ऐसे होता है कि आप दुपट्टे के भी उन्होंने चार्जेस रखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है। ये यहाँ पे जो है ना दो गार्ड्स खड़े किए हैं, लेडीज तो खड़ी हो गई हैं यार, टर्की में भी इनको फैंस मिल रही है तो खुशी देखो जाएगी, टर्की में फैंस मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अब हम फोटो बना रहे हैं वो हमारी यहाँ पे, चलो इधर। ये जो लड़कियाँ हैं ना, आप कह रही हैं कि इन्होंने ये जो लिखा हुआ है ना हैशटैग बुरसा, इसके ऊपर बैठना है इन्होंने। ये कैसे बैठेंगे, जरा बैठ के दिखाओ जरा ऊपर एस पे जरा, मैंने देख लिया। ओह इनको देखो चढ़ कैसे रही है, मम्मा ऊपर यहाँ पे यू पे चढ़ गई है, हीरा पे ध्यान से चढ़ो ना, वो तो चढ़ भी गई है, चढ़ो पीछे से आओ ना, पीछे से आओ, नहीं चढ़ा जा रहा है रापी, ट्राई तो करो अच्छा लगेगा, बैठो यहाँ पे पाँव रखो, यहाँ पे पाँव रखो, ये देखो यहाँ पे बना, अरे तुम चुप नहीं करती, चलो बैठो। मम्मा का तो सबसे इजी था, मम्मा आराम से खड़ी हो गई है, अब मजा आना है जब मैंने बैठना है तब बड़ा मजा आना है। फादर मुझे एस दी है तो मैं तो एस पे नहीं बैठ सकूंगी यार, मैं गिर जाऊंगी। हम एक फोन दे रहे क्योंकि मैं वैसे एक्सपर्ट हूं, मैंने फोन पकड़ना, प्लीज गिर जाएगा मेरे हाथ से, और मन लग रही हो लग रहा है, पापा मेरा फिसलन है, बैठो। हां हां चलो, मम्मा को सबसे इजी जगह मिली है, लोग देख रहे हैं कि हमें क्या हरकतें कर रहे हैं, ज़ैनब इधर बैठ गई है, फातिमा पिक्चर, पापा का वेट कर रही है फातिमा। फातिमा का कहना है कि कोई लेट भी सकता है, पापा तुम तो मुझे प्रोफेशनल लग रही हो। गाइस फातिमा तो बचपन में ना छतों के ऊपर वो चढ़ जाती थी, तो फातिमा के लिए तो ये दो चुटकी का गेम है। ये हमारी पिक्चर खींच रहे हैं, गो वीडियो है, फाइनली हम लोग बुरसा में चढ़ चुके हैं और बहुत मजा आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी इन बुरसा कर रहे हैं, बट मैं यहाँ से उतरूंगी नहीं जब तक मेरा नीचे खड़े होगा कोई शूट नहीं करेगा। ओके तू ही करेगी शूट, तू ही करेगी, तू ही करेगी, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। आप भी मेरे जैनब की कोई पिक्चर ही खींच दो प्लीज, आजा 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 आजा, फोटो ले हमारी आकर, जल्दी आजा पिक्चर ले हमारी, पिक्चर बनवा लिया हम उतरने का यार, एक मुझे और इसका वो नहीं मिल रहा। फातिमा के काम चेक करना जरा, फातिमा तो ना वहाँ की बन गई है, बुरसा की मालकिन हूँ मैं, फातिमा वो बन गई है बुरसा की मालकिन। फातिमा तुम इस टाइम लग रही है कि बुरसा उसी ने बनाया था, उसी ने फतह किया था। बाबा जी ऐसे नहीं लग रहा कि बुरसा फातिमा ने फतह किया था, फातिमा गाजी। मुझे आप ये बताएं कि वो जो वहाँ पे वो परेड में बोल रहे थे वो क्या बोल रहे थे? परेड में बेसिकली वो अपने मुल्क की तारीफ कर रहे थे। अच्छा, कि मतलब कि हम जो हैं उस्मान गाजी के सिपाही हैं। हाँ। और मुल्क के लिए अपनी जान वान सब कुर्बान कर देंगे, कोई भी जंग, क्योंकि टर्की इस वक्त जो है ना जंगों में गिरा हुआ हर तरफ। हाँ। से इसलिए वो तारीफ कर रहे हैं। पिक्चर शिक्चर इनकी हो गई है, हैशटैग बुरसा। गले की देर कौन करता होगा भला, फातिमा गाजी सबसे लेट, फातिमा गाजी करती है, फातिमा गाजी करती है, हाय हाय हाय, फातिमा गाजी घर से लेट निकलती है, एडिटिंग पे मिनी उंगलियां चलाती है और बुरसा के ऊपर पड़े खींच के पिक्चर बनाती है। ओ ये अच्छा व्यू है ना, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। फिर आके फोटो शुरू होगी इनकी, गाइस मैं भी देखूंगी, तो आप देखो यहाँ पे कैसा लगता है यहाँ से देख के, वैसे डाला और अब ये देखेगी, देखो 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 कैसा लग रहा है, सुपर कर रहे थोड़ा, मैंने भी देखना है यार, हीरा पे आधा मुझे भी दिखा देना थोड़ा, नहीं दिख रहा तो स्कैम कर रहे हैं यार ये लोग, दिखा ही नहीं रहे हैं, दिखा हीरा पे देख रही है, वाह इसको सारे घर क्लोजअप से दिख रहे हैं, मेरा कैमरा देख सकता है थोड़ा सा, आओ जरा ट्राई करते हैं गाइस, सॉरी जो मैं देख पा रही हूँ वो आप लोग नहीं देख पा रहे, बट कोई बात नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी, प्लीज जरा देखने दो, पहले देखने दो यार, क्या नीचे रह के देख सकती हो, देखो ऐसे, हाँ ना टांगे ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, अरे सही से थोड़ा ऊपर नीचे करो ना, सिक्का डाला वो कितने का सिक्का था,
दो थे, दो रुपए दो लीरा, एक लीरा मतलब के थोड़ा ही। अच्छा तो डाल दो ये ना, एक है मेरे पास, एक और ले लो अगर आपके पास। सिक्का है, सिक्का गाइस हमने सिक्का डाल दिया, अब देखते हैं क्या दिखता है। जी दिखाओ यार, बहुत पता है इतना अच्छा दिख रहा है कि वहाँ पे जो इंसान चल रहा है मुझे बहुत तक दिख रहा है। हाँ इतना क्लोज करके दिख रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप लोग भी आकर देखें। अब फातिमा उस नुक्कर में आओ, इस नुक्कर में आओ, शूट 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 शूट। ये बगैर सिक्के का गाइस, इन्होंने देखा नहीं सिक्का बहुत महंगा है, नहीं बाय बाय, नहीं दिखता ही नहीं, खराब हो गया। गाइज आज जब वो गुस्सा कर रहे हैं अगली जगह भी जाना, चलो जल्दी आओ, इनका यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है, कोई दिख भी नहीं रहा फिर भी फोटो शूट कर रही है। चलो आज फातिमा, ये कभी खत्म नहीं होगा इनका, पता नहीं कब, आप खुद ही निकालें, आप ही हैंडल करें, मैं नहीं कर सकती। मेरी बहन है ये, क्यों हंस रही हो मेरे बगैर, किस बात पे हंस रही है सारी, है पता नहीं क्या, खुद ही खुश फुस करती रहती है। मेरी चुगलियां कर रही है। ओके यार अभी हम आए हैं, ये कहाँ पे आए हैं आप ही बता दें। ओरहान गाजी, उस्मान गाजी का बेटा, ठीक है, अर्टुल के बेटे थे उस्मान, अब उस्मान गाजी के बेटे हैं उरहान, अब ये उनका है, ठीक है, थर्ड सुल्तान, थर्ड सुल्तान थे। और यहाँ फिर से उसको कहते हैं जो कोई जंग ना हारा हो, ना हारा हो, वेरी गुड वेरी गुड। जंग हारा हो या ना हारा नहीं, जो जंग में शहीद ना हो, शरीक ना हो, उसे गाजी कहते हैं। अच्छा मतलब के खुद जो मतलब के जो शहीद नहीं होता वैसे ही जिसकी मौत होती है, ठीक है, तो ये उनका है, उनकी फैमिली है ये सारी। गर्लीज फिर से प्यारी बन रही हैं, दुपट्टा लेकर तुम लोगों के चेहरे पे प्यारा पन आ जाता है। यस मुझे भी लेने दो। मम्मा कह रही है हमें कपड़े भी, अम्मा कपड़े भी पहन ले आप यहाँ पे, क्योंकि अमेरिकन वगैरह भी आती है ना। हाँ अब आया कर लेते हैं लोग। हाँ ये है उनका, ये मैं सासा पढ़ा दी थी, सन ऑफ बियाजत, ये है सुल्तान। यहाँ पे बोलना लानिया, आहिस्ता आहिस्ता से दिखाती हूँ मैं आपको। ऊपर सर पे रखे हुए ये वो सर पे पहनते थे अपने दौर में, और ये यहाँ पे उनकी सारी फैमिली का है, खानदानों की है, कपड़े वगैरह। बहुत अच्छा था, पीसफुल था। तो अब फाइनली दुपट्टे इधर उतार दिए हैं, ये गर्ली की पिक्चर हो रही है इधर, मम्मा अपने दुपट्टे से ही खुश थी। चलो बाहर चलो, यहाँ पे यार शॉपिंग भी फुल अर्थ। गाइस इधर टोपियाँ पहन के देखें, बड़ी प्यारी है यार, ट्राई करते गाइस, ट्राई करो एक दफ़ा। ओह नाइस यार, कितनी प्यारी लग रही है, देखो पहन के देखो, प्यारी सारी पहनो। चलो अब निकलते हैं, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं गाइस, अब हम लोगों ने कहाँ जाना है पापा जी, घर बाजार जाना है, अब हमने बाजार देख के आते हैं। ये लड़कियों को फिर पिक्चर खिंचवाने के पड़ के यहाँ पे लिखा हुआ है बुरसा, और ये कितना प्यारा यहाँ से व्यू है, वाओ। इरापी का कुछ कहना है बताओ। नहीं जल्दी करो, पाकिस्तान भी जाना है अभी, चलो चलो जल्दी करो, चलो चलो पाकिस्तान चलो। रोड से भी ये वाली स्टेयर्स बनी हुई है, नाइस यार नाइस, इनकी रोड से भी स्टेयर्स है यार, चलो 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 चलो। ये एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, ये होना चाहिए गाइस टूथब्रश फॉर माय एनिमीज की मेट्रो ट्रेन, ये कौन सी ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है। हाँ जी ठीक है गाइस, ग्रुप में रहना है, किसी ने अलग नहीं होना, सारे मेरे साथ रहो गाइस। मेरे पापा ने नई इन्फॉर्मेशन दिया कि यहाँ पे अगर कोई आके कहता है ना किसी की आप फोटो खींचो, वो आगे कहता है कि मुझे इतना डॉलर दो आपने मेरी फोटो खींची है, वाह ऐसे तो फिर मेरे मैं तो बहुत रिच हो जाऊंगी है ना। नहीं यहाँ पे सड़क क्रॉस करने का मजा आता है गाइस, प्यारी गाड़ी है। फिर आप यार मैं सड़क क्रॉस कर डॉलर निकालो। गया हमारा बाजार, ये कौन सा बाजार का ना, ये वाला बाजार कौन सा पापा जी, इसका नाम क्या है, यहाँ पे टक्कर शक्कर भी हो जाती है। ये है बाकी तू का बाजार, कुछ ऐसा ही नाम है इसका, पता करवाती हूँ। अरे गाइस तो यहाँ पे ये वाला जो है इनका लोकल वाला बाजार है, तो आज लोकल वाला बाजार भी विजिट करते हैं, क्या क्या यहाँ पे चीजें, यहाँ से हम अच्छी चीजें ले। फिर अभी वो देखो बच्चे का सर, वो ये फ्री कॉफी दे रहे हैं। हेलो यू आर गिविंग फ्री कॉफी, थैंक यू। मम्मा को तो, मम्मा तो रोज फिर यहाँ पे आएंगे फ्री कॉफी ले, मम्मा को तो कॉफी वैसे बहुत पसंद है। गिव दिस टू माय डैड, ये आपके लिए, थैंक यू सो मच। ये देखो मेरे काम की चीज मिल गई है इधर, फातिमा ना हर जगह पर चेयर की चीज है, ये मेरे
ओके यार हमने आकर टर्की आया बट इनकी कॉटन कैंडी अब तक ट्राई नहीं किया तो करते हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाउ मच दिस कॉटन कैंडी? और बात का जवाब भी नहीं है। 350 है पापा जी, कॉटन कैंडी खरीदनी है गाइस, कॉटन कैंडी खरीदनी है, ले ले आ जाओ। ज़ैनब अंकल आके उतारेंगे तुम्हें, डांट पड़ेगी वरना वो कहेंगे नो डोंट डोंट, इट्स 15 लीरा, वी वांट टू बाय वन। थैंक यू थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। फातिमा ना दूसरी दफा फ्री कॉफी पी चुकी है। अच्छा लगा दूसरी बार सारी बहनों की शक्ल मिलती है। उस दे ही नहीं रहे फातिमा को, लाइन में लोगों चीज लेने जाओ, वो कहते दूसरी बार ले रहे हो, कहते नहीं पहले मेरी पहल लग गई थी मैं। हमारी बहनों की शक्लें इतनी मिलती है। खोलो ये ज़ैनब, टर्की की कॉटन कैंडी में क्या खास बात है ऐसी? गाइस मम्मा की फरमाइश है कि मैं सारा बाजार आप लोगों को दिखा दूं। वाओ, ओके खुश। अब तो कॉटन कैंडी पूरी खाएगी, छोड़ी हां हां, तो आज जो ट्राई करते हैं कि टर्की ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ना तो हमारा नंबर चल रहा है ना कुछ, तो मुझे लगता है वो घूम गए हैं। लेकिन कॉटन कैंडी सेम लाहौर जैसी है, इधर ही खड़े रहते हैं, इधर ही वो हमें लेने आएंगे। ओ मिल गए मिल गए मिल गए, हमें लगा हम खो गए, हम डर गए थे। अब पहले टर्की की कॉटन कैंडी ट्राई कर लो, ओनली 150 रुपीज। सबको खिला रही है, बस यार बहुत मीठा, बाय, बहुत मीठा बहुत मीठा, मुझे नहीं खाई जा रही। इसको खाने का पता है सही तरीका क्या है? हाँ। ओ, इसे क्या किया ये? इतनी जगह घेरी हुई। हीरा भी मीठा तो आपके अंदर उतना ही जा रहा है ना, फिर भी हीरा ने कबाड़ा कर दिया कॉटन कैंडी का। वेरी गुड, शाबाश छे। देखा हीरा ने कितना बुरा हीरा वो कह रहे हैं क्या का चुकड़ी आ गई है, पाकिस्तान से आई है और आगे कॉटन कैंडी को ये कह रही है ना डस्टबिन में खा लो, वैसे ही खाओ। चलो शुक्र है इस बहाने कॉटन कैंडी खत्म तो हुई ना। अच्छे बाथरूम मिल रहे हैं लेने, बड़े प्यारे हैं, मिल रहे हैं। मम्मा ये लोटे नहीं है, ये वो है चाय डालने वाले हैं। ये पापा यहाँ पर हमें मिले हैं, ग्लासेस लेने आए हैं यहाँ पर। आज हम लोग थोड़ी देर बैठ जाते हैं पापा को ग्लासेस खरीदने को। यहाँ पे ग्लासेस सेम वैसी हैं पाकिस्तान जैसी, तो पापा को कोई भी पसंद नहीं आई और हम वापस जा रहे हैं अपना टाइम वेस्ट करते हुए। चलो ओके यार, सो अब हम लोग जा रहे हैं इनकी एक और मार्केट में जहाँ से हमने शॉपिंग वगैरह भी करनी है, वो बहुत बड़ी मार्केट है, फ्री पे हमारी गाड़ी आएगी गाइस। ओके यार फाइनली हमने बाजार वगैरह भी घूम लिया है, अब चलते हैं अपने अगले सफर पे, अपनी अगली लोकेशन पे। सो लेट्स गो। सो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो होप सो कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल और अगले ब्लॉग का वेट करें जो हम सबके चैनल्स पे आएंगे। बाय बाय कर दो सारे, बाय।